इससे तो अच्छी वो सुमित्रा ही है जो कम से कम आवेगी तो 10-5 लाख रुपए का सोना लेके आवेगी। क्या हुआ बेबी जी? देख लिया आपने इन लोगों की असलियत? आपको क्या लगता था बेबी जी, आप अपने सारे पैसे दान कर दोगी और ये लोग आपके बड़प्पन के लिए तालियां बजाएंगे, आपका सम्मान करेंगे? नहीं बेबी जी, इनको आप नहीं सिर्फ आपके पैसे पसंद थे। और ऐसा मैं नहीं कह रही, अभी आपने खुद देखा ना, जो लोग थोड़ी देर पहले तक आपको इस घर की बहू बनाना चाहते थे, वही लोग ये जानने के बाद कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके खिलाफ हो गए। आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना, मैं समझ सकती हूँ। बेबी जी, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। अब देखिए ना, मुझे कहाँ पता था कि एक बार अलग होने के बाद रघु मुझे फिर से ऐसे मौके पर इस तरह से मिलेगा और मुझसे शादी का वादा करके मुझे दूसरी जिंदगी देगा। और आपको भी कहा पता था कि वो आपसे शादी के लिए मना कर देगा। बुरा मत मानिएगा बेबी जी, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती ना तो इस तरह से इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकती। अरे जहां कोई आपको चाहता ही नहीं, ना रघु ना उसके परिवार वाले, वहां पर ऐसे जमे रहना भी तो ठीक नहीं है ना। बुरा मत मानिए, लेकिन ये तो किसी पर बोझ बन के रहने के बराबर ही हुआ ना। बेबी जी, अगर आप सच में रघु से प्यार करती हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रघु और उसके घर वालों की भलाई के लिए आपको ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए? क्या कर रही हैं आप? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं रघु। देवी जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगी। बेबी जी, इतनी रात को थे अकेले कठे जाओगे? जल्दी से अपने रहने का इंतजाम करना, फिर चले जाना।
सर जी, मैंने आपसे शादी का वादा किया और मैं अपना वादा निभाऊंगा।